वन बच्चों स्टडी भी कम्प्लीटेड बच्चों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर कम्प्लीट किया ओके ना सो जब स्टार बच्चों अकाउंट वन दैट इज फाइनेंस बच्चों अकाउंट वन मीन द फाइनेंस इन फाइनेंस बच्चों वी ऑलरेडी कम्प्लीटेड टू चैप्टर विच वन बच्चों फर्स्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर एंड सेकेंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन अकाउंट वन बच्चों वी हैव कम्प्लीटेड टू चैप्टर्स फर्स्ट वन जब पढ़ी जाए बच्चों चैप्टर लो इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टू मोर चैप्टर लेफ्ट है बच्चों एक है फाइनल अकाउंट बच्चों और एक है बायबैक ऑफ शेयर्स बच्चों तो पहले हम लोग बायबैक ऑफ शेयर करेंगे बच्चों बाद में हम लोग फाइनल अकाउंट करेंगे ओके बायबैक ऑफ शेयर बच्चों थोड़ा मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर है छोटा चैप्टर से थोड़ा सा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों तो बायबैक शेयर में मार्क्स आपको आएगा बच्चों तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर और बायबैक शेयर बच्चों इसमें मार्क्स ले सकते हो बच्चों ओके बट कभी कभी बच्चों पेपर का जो पैटर्न है वो बायबैक और इन्वेस्टमेंट बच्चों ऑप्शन आएगा कि बच्चों समटाइम कंपलसरी भी आ सकता है बच्चों मैं वो पैटर्न का नहीं बोल सकता हूँ बट बच्चों एक ईजी चैप्टर है तो ध्यान दोगे ओके बट अकाउंट वन में बच्चों तो कोई भी चिंता अकाउंट वन में ईजी नहीं रहेगा चलो बाय बैक ऑफ शेयर पहले मतलब क्या है बाय बैक बाय मतलब परचेज मैं वापस खरीदना इसका मतलब बच्चों मैंने पेन आपको बेचा बाद में मैं बोल रहा हूँ मेरा पेन वापस दे दो मेरा पेन वापस दे दो बचपन में जिद करते ना कोई चीज दे दिया बाद में वापस मांग रहा है वैसे बच्चों कंपनी ने आपको शेयर इश्यू किया था बाद में आपसे शेयर वापस खरीद रहा हूँ बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय बैक फर्स्ट सोल्ड बच्चों बाय बैक का मतलब क्या है बाय बैक मीन्स फर्स्ट इशू शेयर पहला आप शेयर इशू करो इशू मतलब परचेज सेल ना बच्चों सेल ओके देन रीपरचेज फ्रॉम शेयर होल्डर्स बच्चों पहले उन्होंने सोल्ड किया बाद में वापस सोल्ड से खरीद लो ओके थ्री परचेज एंड कैंसल खरीद के क्या करूंगा बच्चों मैं फाड़ के फेंक दूंगा कैप्टन खत्म एज लॉन्ग बच्चों आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपने इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया था ना बच्चों आपने 500 रुपए में शेयर खरीदा था बच्चों कंपनी बोले भाई लोग आपका 500 रुपया पकड़ो या 600 रुपए लो बच्चों पहले पकड़ो और फिर आपका शेयर मेरे को वापस दे दो कंपनी आपका अपना खुद का शेयर जो मैंने कंपनी ने शेयर इशू किया था बच्चों व्हेन कंपनी इशू इन द शेयर इट बिकम कैपिटल फॉर कंपनी कैपिटल फॉर कंपनी एक कैपिटल फॉर कंपनी बच्चों ओके देन रीपर्चेज द शेयर रीपर्चेज द शेयर इट इज ओन शेयर बच्चों ओन शेयर डिवेंचर एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों इट इज इन्वेस्टमेंट बच्चों ओन शेयर और बाद में कंपनी क्या करता है उसको कैंसल कर देता है बच्चों नलीफाई करता है नलीफाई मतलब बच्चों कैंसल कर देना फुली ओके नो कैपिटल लेफ्ट नाउ नो कैपिटल लेफ्ट बच्चों तो बाय बैक मीन्स फर्स्ट इशू द शेयर्स कंपनी पहले शेयर इशू किया था बच्चों ओके तो कंपनी के लिए क्या था बच्चों कैपिटल था राइट ना बच्चों मैंने आपको मैंने शेयर बेचा था अब आपको बोलो भाई आप लोग सर मैं सामने वाला बोले मैंने मेरे को नहीं बेचने का तो बच्चों वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन होता है सुनो बच्चों एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर्ड है बच्चों उसके अंदर वो मेंशन रहेगा बच्चों कि हम लोग कंपनी का शेयर बायबैक कर सकते हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा बेचना ही पड़ेगा ओके और कोई ऑप्शन भी नहीं है तो फर्स्ट इशू जब कंपनी शेयर जो इशू करता है शेयर कैपिटल फॉर कंपनी देन बच्चों रीपर्चेज फ्रॉम द शेयर होल्डर्स
री परचेज फ्रॉम शेयर होल्डर बच्चों, शेयर होल्डर से मैं अपना शेयर वापस खरीद ले रहा हूँ बच्चों, दैट इज द ओन शेयर बच्चों, उसको बड़ा होता है मतलब इन्वेस्टमेंट। पहला बच्चों का क्या कैपिटल था ना, तो कैपिटल था तो क्या हुआ ये लाइबिलिटी, अब वही शेयर क्या होगा बच्चों मेरे लिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब असेट्स, सेम लाइबिलिटी सेम वो असेट्स है बच्चों, एक था लाइबिलिटी एक असेट, तो ऑटोमेटिकली क्या बच्चों से इफेक्ट क्या हो गया कैंसिल हो गया बच्चों, दैट इज कैंसिल। 500 रुपये का कैपिटल था बच्चों, बाद में यही शेयर खरीद ले रहा हूँ तो 500 का इन्वेस्टमेंट भी हो गया, सेम कैपिटल बिकम सेम इन्वेस्टमेंट हो चुका, तो अभी कैंसिल नो इफेक्ट, तो कैंसिल नलीफाई, नाउ नो कैपिटल है बच्चों, अब कैपिटल नहीं है क्योंकि मैंने आपका शेयर खरीद लिया, एज लॉन्ग बच्चों आप शेयर होल्ड कर रहे हो बच्चों तो कंपनी के लोग कैपिटल है बच्चों, देखिए आपसे मैंने वापस शेयर खरीद लिया बच्चों तब कंपनी का कैपिटल कैंसिल हो गया बच्चों, क्यों बच्चों देखते बच्चों कैसे इसमें, फर्स्ट यू नो बच्चों टाइप्स ऑफ शेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, यू नो बच्चों इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बराबर है, ओके बच्चों। पहला बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्या पॉइंट है बच्चों, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल मतलब रिडीम मतलब जो पेमेंट करना, मींस कंपनी मस्ट रिडीम और रीपे द कैपिटल अमाउंट टू द प्रेफरेंस शेयर, कंपलसरी होता है बच्चों, कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता बच्चों, हर एक कंपनी को रिडीमेबल मतलब कंपलसरी पेमेंट करना ही बच्चों, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स बच्चों यू हैव टू मेक द पेमेंट बच्चों आफ्टर प्रेफरेंस होल्डर्स, इट मीन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस होल्डर विल गेट देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बैक, जब बच्चों प्रेफरेंस शेयर पैसे लगा रहे हो तो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद पैसे आपके रिटर्न मिल जाएंगे बच्चों, ओके आफ्टर रिडम्पशन दैट द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल गेट कैंसिल, जब आपको पूरे पैसे दे दिया बच्चों कैंसिल, जब पूरे पैसे आपको नहीं मिले तो शेयर ले लिया वापस बच्चों कैंसिल, इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द कंपनी, अगर जो कंपनी में 50 लाख का कैपिटल था 5 लाख का शेयर बच्चों मैंने रिडीम कर दिया, तो आउट ऑफ 50 लाख के कैपिटल बच्चों 5 लाख का कैपिटल मैंने रिडीम कर दिया पेमेंट कर दिया बच्चों कितना लेफ्ट हो गया 45 लाख, इट मीन्स आफ्टर द रिडम्पशन और रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इट कैंसिल, इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जब हम लोग बच्चों रीपेमेंट करो बच्चों कैपिटल मतलब लायबिलिटी बच्चों, लायबिलिटी का मैं पेमेंट करूँ तो बर्डन कम होगा बच्चों मेरे पास, और जब बच्चों कैपिटल कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बर्डन ऑफ डिविडेंड पेमेंट ऑल्सो गेट रिड्यूस बच्चों, जब कैपिटल रिड्यूस हो बच्चों तो मतलब फ्यूचर में आपको डिविडेंड पे करनी जरूरत नहीं है बच्चों, ओके तो कैपिटल रिडम्पशन से क्या होता है बच्चों आपके पैसे मैंने पूरे वापस दे दिया, अब मुझे आपको उस पर डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है, बैंक से लोन लियो बच्चों लोन लियो और लोन पूरा पे कर दिया बच्चों, अब फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, सेम लाइक ओके ये तो था प्रेफरेंस शेयर बच्चों। व्हाट अबाउट द इक्विटी शेयर बच्चों, इट इज अ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है इररिडीमेबल शेयर इररिडीमेबल इक्विटी शेयर का डेफिनेशन है बच्चों, जब तक कंपनी जिंदा है बच्चों जब तक कंपनी अलाइव है और गोइंग ऑन है बच्चों फिर भी इक्विटी शेयर का पेमेंट नहीं करना बच्चों, जैसे लोग बोलते हुए बच्चों जो मैं इक्विटी में पैसे लगा भूल जा, क्योंकि इक्विटी के पैसे बच्चों आपको रिफंड नहीं होने वाला कंपनी के थ्रू बच्चों, ओके इज इररिडीमेबल एंड इज अ कंपनी नीड नॉट पे रीपे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ यस, जब तक कंपनी जिंदा बच्चों जब तक कंपनी कंटिन्यू बच्चों नो नीड टू पे बच्चों, आपको टेंशन नहीं होगा इसको पे करना नहीं करना है, नो नीड टू वरी एट ऑल, ओके इट इज ओनली रीपेड आफ्टर द वाइंडिंग अप और द शटडाउन ऑफ द कंपनी, इसको कब पे करते हो जब कंपनी वाइंड अप होता है, वाइंड अप मतलब शटडाउन होता है, वाइंड ही आदि क्या बोल रही वाइंड बोल रहे वाइंडिंग अप दैट इज शटडाउन, कंपनी जब बंद होगा जो तो पे करना है, क्यों बच्चों तो पहले समझ आ जाओ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को हम लोग रिडीम करते हैं रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट बच्चों, अगर मैंने प्रेफरेंस से इशू किया बच्चों 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद मैं आपको बोलूँगा भाई अपने पैसे पढ़ो मेरे शेयर दे दो रिडम्पशन, बट इक्विटी का नेचर के हिसाब से इररिडीमेबल है, जब इररिडीमेबल नेचर का बच्चों तो उसको हम लोग बीच में पेमेंट नहीं कर सकते बच्चों, ओके कंपनी जब शटडाउन होगा तो पेमेंट करना
अब कंपनी कभी शट डाउन होगा बच्चों, कोई फिक्स डेट है बच्चों कि ये डेट पे कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बच्चों। तो क्या होता है ना बच्चों, बायबैक का मेथड प्रोसीजर क्यों होना चाहिए हम लोगों को? इससे बच्चों मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ बच्चों, स्टार्टिंग में उन्होंने इक्विटी से प्रेफरेंस इशू किया बच्चों, क्यों? क्योंकि बिजनेस को पैसे चाहिए था बच्चों, कैपिटल चाहिए था। अब कैपिटल आ गया बच्चों ओवर अ पीरियड टाइम 5 ईयर 10 ईयर में, तो धीरे धीरे बिजनेस क्या हो रहा है, सेटल होते जा रहा है। अब सेटल होने के बाद कंपनी में जो ह्यूज प्रॉफिट होते जा रहा है, फंड ज़्यादा आ रहा है बच्चों, तो कंपनी का फंड जमा हो गया बच्चों। अब मैनेजमेंट सोच रहा है बच्चों, कंपनी का तो फंड ऑलरेडी है हमारे पास बच्चों, और मैं कैपिटल आपसे ले रखा हूँ बच्चों, उसका मेरे को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। तो अननेसेसरी मैं डिविडेंड क्यों दूंगा आपको, जब पैसे का जरूरत था बच्चों तो आपसे मैंने लिया, लेकिन जब पैसे मेरे पास आ गए बच्चों तो मैं ये पैसे रिटर्न दे दूँ ना आपको, इससे क्या होगा बच्चों, मुझे फ्यूचर में आपको डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल 40 लाख का बच्चों, 10 लाख मैंने वापस दे दिया बच्चों, तो अब डिविडेंड कितने पे देना पड़ेगा, 30 लाख पे देना पड़ेगा, इसका मतलब डिविडेंड का बर्डन कम हो जाता है। ओके, सो बट समटाइम इफ कंपनी हैज एक्सेस ऑफ फंड, एक्सेस ऑफ फंड एंड वांट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिविडेंड, और आप चाहते हो बच्चों मेरे पास डिविडेंड का ह्यूज बर्डन है बच्चों, तो थोड़ा कम होना चाहिए बच्चों। ओके, देन अडॉप्ट द बायबैक ऑफ शेयर। तो बच्चों बायबैक ऑफ शेयर, अगर आप चाहते हो बच्चों कैपिटल रिड्यूस हो, ताकि आपके पास डिविडेंड का बर्डन, डिविडेंड ज़्यादा नहीं देना पड़े बच्चों, डिविडेंड के बर्डन को कम करें। और भी होता है बच्चों, और क्या होता है बच्चों, जैसे बच्चों अभी तो आजकल हर घर में नल आ गया बच्चों, नहीं तो 15-20 साल पहले बच्चों को एक चौल में 5-6-7 लोगों का मिलकर एक नल होता था बच्चों, अब वो 7 लोग मिलके एक नल है बच्चों, वो 7 मेंबर नहीं चाहते थे बच्चों कि 8वां 9वां मेंबर भी आए, क्योंकि मेंबर जितने ज़्यादा आएंगे बच्चों वो पानी भरने का टाइम आपको कम मिलेगा, पानी का फ्लो भी क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। ओके, तो आप चाहते हैं कम मेंबर रहेंगे बच्चों तो मुझे पानी ज़्यादा मिलेगा, मेरा पावर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा मेंबर आएंगे बच्चों पानी कम मिलेगा, वैसे ही बच्चों कंपनी में भी जितना ज़्यादा मेंबर रहेंगे बच्चों पावर, वोटिंग पावर क्या होगा आपको कम होते रहेगा, जितने कम मेंबर रहेंगे बच्चों वोटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। तो समग्र ओनर चाहता है कि मैं बिजनेस को डोमिनेट करूँ बच्चों, अब डोमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, फ्यू लाइबिलिटी फ्यू शेयरहोल्डर को कट डाउन करना पड़ेगा, सब शेयरहोल्डर को क्या बोल के भगाओ बच्चों, अरे भाई तुम भगाओ मैं डोमिनेट करना चाहता हूँ, डेट इज बाय बाय। ओके, तुम्हारा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अभी थ्योरी है बच्चों इसका, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों और व्हाट्सएप पर डाल दूंगा बेटो। ओके, बच्चों क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट पहले, सो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम बट द इक्विटी शेयर नेवर बी रिडीम, यस आई सेड बच्चों रिडीमेबल इंडिया के रिडीमेबल है बच्चों, रिडंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन इन द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 बच्चों, इंडिया की जो कंपनी एक्ट 1956 अब 2013 का भी रूल आ गया बच्चों, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 बच्चों, तो 1956 को मॉडिफाई करके 13 का बन गया बच्चों, उसमें भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है बच्चों। ओके, बट देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन इन द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 रिगार्डिंग द बायबैक कैलकुलेशन, देखिए बच्चों इक्विटी शेयर को बायबैक करने का ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बच्चों, इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए कोई फंडामेंटल रूल्स नहीं है बच्चों। ओके, आपने एसवाई का में पढ़ा था ना बच्चों, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 4 सेमेस्टर का था बच्चों, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बच्चों बहुत सारा जनरेटिव था ना उसमें, मालूम नहीं सर लॉकडाउन में लॉक हो गया है। तो बच्चों प्रेफरेंस को रिडीम करने के लिए बहुत सारे रूल्स है, क्योंकि बायबैक के लिए कोई रूल्स नहीं है बच्चों, एक कंपनी पे डिपेंड होता है बच्चों, इसलिए मैंने आपको एक बड़ा बताया था बच्चों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एवरी कंपनी मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द आर्टिकल एसोसिएशन, और आर्टिकल एसोसिएशन में लिखते बच्चों कि हम लोग बायबैक की हमारी एक पॉलिसी है, हर एक कंपनी बच्चों अपने हिसाब से बायबैक का रूल ड्रॉ करता है। इंडियन कंपनी एक्ट 1956 हैज परमिटेड ऑल द जॉइंट स्टॉक कंपनी टू फ्रेम ऑल द नेसेसिटी लॉ इन देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिगार्डिंग द बायबैक, यस आई सेड बच्चों बायबैक करने के लिए इंडियन कंपनी 1956 और 2013 एक्ट में कोई रूल नहीं है बच्चों, लेकिन उसमें एक प्रोविजन है बच्चों
कि हर एक कंपनी स्वतंत्र है, हर एक कंपनी फ्रीडम है बच्चों लोगों को बायबैक के लिए रूल बुक का बनाने के लिए, तो सब कुछ भी कर लेंगे लोग, नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चों। वो लोग को आर्टिकल में रूल लिखना पड़ेगा कि हमारा ये पॉलिसी बायबैक का। अब जब भी लोगों को मैं शेयर इशू करूंगा तो बताऊंगा भाई कि देखिए हमारा ये बायबैक का पॉलिसी, अब जो फ्यूचर में हम लोग खरीद सकते आपका शेयर, अब जिसको मर्जी है तो पसंद है तो खरीदेंगे, अदरवाइज। तो बायबैक के लिए बच्चों ईच एवरी कंपनी को खुद का रूल ड्रॉ करना पड़ता है बच्चों। चलो मैं बच्चों इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रिडंडेंसी मींस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो बोलो रिडंडेंसी मींस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इज द रीपेमेंट इन द रीपे और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बच्चों, ओके। एंड बायबैक मींस बच्चों रीपर्चेज, देयर आर बायबैक रीपर्चेज बच्चों, तो रीपर्चेज द कंपनी कैन परचेज देयर ओन शेयर फ्रॉम द इन्वेस्टर विच वेयर अर्लियर इशूड बाय कंपनी। हम लोगों ने ही शेयर इशू किया था बच्चों आपको, अब मैं आपसे ही आया, मैंने ही आपको बेचा था बच्चों, वापस मैं आपसे खरीद रहा हूँ बच्चों, ओके। सही तो कर दूंगे सर, ना ही सर पहले बेच के भी वापस देते हो, यस। वो हेरा फेरी पिक्चर बच्चों, 1000 रुपये का नोट देता, टिप देता है पहले, और फिर मार के वापस ले लेता ना बच्चों, है ना, ये हेरा फेरी पिक्चर बच्चों, 1000 रुपये का नोट दिया पहले टिप, बाद में मार के ले लिया, याद आ रहा ना क्या पिक्चर था। हाँ तो ऐसे ही बच्चों इसमें भी मैंने आपको शेयर इशू किया था, अब आपसे वापस शेयर ले रहा हूँ बच्चों, धन्यवाद, ठीक है बच्चों। सो इन द कंपनी हैविंग द एक्सेस कैपिटल और द सरप्लस सैलरी, यस ऐसे बच्चों कंपनी हैविंग द एक्सेस ऑफ फंड बच्चों सरप्लस, ठीक है बच्चों, एंड वांट टू रिडीम द कैपिटल सो दैट द बर्डन ऑफ हैवी डिविडेंड रिपेमेंट पेमेंट विल बी रिड्यूस, क्योंकि बच्चों क्या कैपिटल जब ज्यादा होता है बच्चों तो आपको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा बच्चों, तो कभी कभी कंपनी डिविडेंड का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, ओके। एंड द पावर ऑफ इन द मैनेजमेंट विल वेस्टेड इन द फ्यू हैंड, और आप चाहते हो बच्चों कि ज्यादा लोग रहेंगे बच्चों तो पावर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा बच्चों, आप चाह रहे चिल्ड्रन पिल्लर को भगा दो तो पावर कुछ लोगों के हाथ में रहेगा बच्चों, ओके। चले बच्चों आगे हम लोग, हैंड द कंपनी बाय बैक देयर ओन इक्विटी शेयर बच्चों, ओके, एंड कैंसल देम इमीडिएटली, सो इन द अदर वर्ड्स बाय बैक मीन्स रीपेमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। नॉर्मल इक्विटी का डेफिनेशन क्या था बच्चों, इट इज इरिडीमेबल नॉन पेएबल बच्चों ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब तक कंपनी है बच्चों तब तक इक्विटी का पेमेंट नहीं करना बच्चों, लेकिन बाय बैक में क्या है बच्चों हम लोग इक्विटी का पेमेंट कर सकते हैं बच्चों, और कैंसिल कर पेमेंट कर सकते हैं बच्चों, कैंसिल कर सकते हैं, ओके। ये था बच्चों पहले क्या हुआ था बायबैक का मीनिंग था बच्चों और उसका बेस था बच्चों, राइट बच्चों। चलो चलो टेक आगे फर्दर पार्ट बच्चों, द बायबैक कैन बी डन बाय टू वे बच्चों, बायबैक करने के बच्चों दो तरीके हैं। बायबैक मतलब क्या था बच्चों, खुद का शेयर खरीदो ना, इक्विटी का पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए बच्चों, तो देखिए टू प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू मतलब इट मीन द फंड कैन बी अरेंज बाय इशूइंग द न्यू शेयर टू द कंपनी। इसका मतलब बच्चों ये लोग का शेयर मुझे बायबैक करना है, पेमेंट देना है बच्चों, पेमेंट करने के लिए मैं क्या करूँ, नए शेयर इशू करूंगा बच्चों, नए शेयर इशू करके पैसे लूंगा बच्चों, पैसे अरेंज करके ये मेंबर लोगों को पे करूंगा बच्चों, ओके। बायबैक का मतलब क्या था बच्चों, आपने जिन लोगों को शेयर इशू किया था वो लोग से वापस लेना ना बच्चों, लेकिन वो लोग से शेयर वापस लेने उनको पैसे देना पड़ेगा बच्चों, अब पैसे देगा पैसे ही नहीं बच्चों वापस, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों शेयर दूसरों को इशू करेंगे अदर्स आउटसाइडर को, ओलो से शेयर इशू करके बच्चों पहले कैश अरेंज करेंगे एंड देन बच्चों ओल्ड मेंबर वालों को पे करके उनके शेयर बायबैक करेंगे, ओके। तो इट मीन द फंड कैन बी अरेंज बाय इशूइंग न्यू शेयर टू द पब्लिक। अब क्या होता है बच्चों, इन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अगर मुझे इक्विटी का बायबैक करने का है बच्चों, देन कंपनी कैन डू द फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड, मींस अगर इक्विटी का बायबैक रहेगा बच्चों तो आप फ्रेश इशू क्या कर सकते हो, प्रिफरेंस शेयर और डिवेंचर फ्रेश इशू कर सकते हो, ओके।
अगर आपका इफ द बाय बैक इज अ प्रेफरेंस शेयर बच्चों देन कंपनी कैन डू फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी और डिबेंचर। इक्विटी का बाय बैक के लिए इक्विटी फ्रेश इशू ऐसे कैसे होगा बच्चों? आप चाहे बाय बैक करके बच्चों इक्विटी का मेंबरशिप कम कर रहे हैं ना बच्चों, इधर इक्विटी का मेंबर कम करना चाह रहे हो, दूसरे इक्विटी को आप बुला रहे हो बच्चों, तो दूसरे इक्विटी को इशू कर रहे हो और इधर के इक्विटी को कम कर रहे हो, क्या लॉजिक है बच्चों? इफ आई वांटेड टू रिड्यूस द इक्विटी, इक्विटी को कम करना है तो मैं प्रेफरेंस इशू कर सकता हूँ, डिबेंचर इशू कर सकता हूँ। अगर मेरे को प्रेफरेंस को बाय बैक करना है बच्चों तो मैं इक्विटी इशू कर सकता हूँ, डिबेंचर इशू कर सकता हूँ। सर डिबेंचर का नहीं बोल रहा, डिबेंचर मतलब लाइबिलिटी है, ओके, तो उसको हम लोग बाय बैक को नहीं करना, तो डायरेक्ट पेमेंट करना ही बच्चों, ओके। इफ इक्विटी शेयर बाय बैक और इक्विटी का अगर बाय बैक करना रहेगा बच्चों क्वेश्चन में, तो हम लोग फ्रेश इशू का क्या ऑप्शन है हमारे पास? प्रेफरेंस और डिबेंचर। इक्विटी का बाय बैक करने के लिए इक्विटी कैन नॉट इशू बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा। फॉर बाय बैक का इक्विटी शेयर कंपनी कैन अरेंज द फंड बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर, फॉल्स। इक्विटी बाय बैक करने के लिए इक्विटी इशू नहीं कर सकते। अब अदर फॉर इक्विटी बाय बैक करने के लिए वी कैन यूज द प्रेफरेंस शेयर का फ्रेश इशू और डिबेंचर का फ्रेश इशू, ठीक है बच्चों। एंड अगर प्रेफरेंस का बाय बैक करना है बच्चों वी कैन यूज द इशू द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी और डिबेंचर। अपोजिट बच्चों जिसका बाय बैक करना हो फ्रेश इशू नहीं होगा बच्चों, प्रेफरेंस का बाय बैक करना बच्चों तो प्रेफरेंस कैन नॉट बी फ्रेश इशू। डिबेंचर का बाय बैक करना बच्चों सॉरी इक्विटी का बच्चों, इक्विटी हम लोग इशू नहीं कर सकते। इक्विटी के बाय बैक के लिए प्रेफरेंस का ऑप्शन है, प्रेफरेंस के बाय बैक के लिए इक्विटी का ऑप्शन है, ओके। तो ये वन वे बच्चों फ्रेश इशू करने पर। देखिए बच्चों ऐसे जहाँ तक मेरा अपना खुद का नॉलेज है बच्चों ये मेथड ज़्यादा अडॉप्ट नहीं होता बच्चों, क्योंकि जब बच्चों आप चाह रहे हो कि शेयर कम होना बच्चों, शेयर का बर्डन कम हो, तो शेयर एक शेयर का बर्डन कम करने में दूसरा शेयर कैसे इशू करो बच्चों, तो फिर उस पर भी डिविडेंड देना पड़ेगा ना बच्चों। यू वांटेड बच्चों बट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिविडेंड बच्चों ना, डिविडेंड का बर्डन आप कम करना चाह रहे हो, तो आप एक तरफ बच्चों शेयर को बाय बैक कर रहे हो, तो अदर हैंड में बच्चों शेयर इशू करके पैसे ले रहे हो, एक का लोन को पे कर रहे हो दूसरे का लोन ना ले रहे हो बच्चों, तो ये लोन से भी इंटरेस्ट देना था और लोन पे भी इंटरेस्ट देना था बच्चों, ओके। तो नॉर्मली वाले ये मेथड जैसे अडॉप्ट नहीं होता बच्चों। दिस मेथड फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व मतलब क्या बच्चों? मतलब दो पार्ट, फ्री रिजर्व मीन्स डिविजुअल प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों। फ्री रिजर्व मीन्स बच्चों डिविजुअल प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों, ओके। डिविजुअल प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, और ये डिविजुअल प्रॉफिट मतलब बच्चों ऐसे प्रॉफिट जिसका यूज हम लोग डिविडेंड के लिए कर सकते हैं, डिविडेंड पेमेंट के लिए। अ प्रॉफिट विच इज यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे फंड जिसका हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, वो फंड को बोल देते हैं हम लोग डिविजुअल प्रॉफिट बच्चों। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैश प्रॉफिट, क्या होते बच्चों इसको कैश प्रॉफिट, ये क्या मतलब होता है कैश प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ। 10 लाख का बिल्डिंग था बच्चों, मैंने 12 लाख का बेच दिया, 10 लाख का बिल्डिंग 12 लाख का बेच दिया बच्चों, 2 लाख का मुझे प्रॉफिट हो गया बच्चों, एक कैश प्रॉफिट है बच्चों। देखिए बच्चों 10 लाख का बिल्डिंग था, मैंने यार एक्सपर्ट को बुला के आ उसका वैल्यूएशन करा बच्चों, तो उसने बोला भाई अभी वैल्यू उसका बिल्डिंग तो 15 लाख का हो गया, 10 लाख का बिल्डिंग 15 लाख का दिया, 5 लाख बढ़ गया बच्चों, लेकिन 5 लाख के हाथ में मिला मेरे को नहीं ना, वो तो एक्सपर्ट ने बोला भाई आज का मार्केट में वैल्यू है, तो हमने मार्केट के हिसाब से वैल्यू को री वैल्यू किया बच्चों। अगर रियली में एसेट सोल्ड करके आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है बच्चों तो आपको कैश में प्रॉफिट आ रहा है, जैसे कैश प्रॉफिट। लेकिन बच्चों जैसे आप एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कर रहे हो ऑन द बुक्स में बच्चों, 1 लाख का मशीन था और आपको लगा तो बोला कि अब इसकी वैल्यू मार्केट 1,10,000 तक आ रहा है, तो 10,000 रुपये आपने ऐड कर दिया बट वो आपको 10,000 कैश मिला क्या? नहीं, पहले आपने बुक के अंदर ऐड किया बच्चों, ओके। सो डिविजन प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों कैश प्रॉफिट। तो क्या क्या बच्चों? जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस,
डिविडेंड इक्वलाइजर रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजर रिजर्व मतलब सबको डिविडेंड मिलना चाहिए, उसके लिए पढ़ना है आपने। सब्सिडी रिजर्व, सब्सिडी नहीं सब्सिडी, कंसेशन। तो सब्सिडी रिजर्व मतलब बच्चों आप चाहते हो कि मैं जैसे कंसेशन गैस बाटला लिखते हो बच्चों, अब गैस बाटला 700 रुपये का लिखते आपको जो 500 रुपये का मिल रहा है, तो 200 रुपये गवर्नमेंट क्या देता आपको, सब्सिडी देता बच्चों। सब्सिडी मतलब आप 700 रुपये पूरा पे कर रहे हो बच्चों, आपके बैंक के अकाउंट, मम्मी के पापा के बैंक के अकाउंट में तो 200 रुपये आ रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो सब्सिडी रिजर्व। और बच्चों इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, देखिए बच्चों यार में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में बच्चों ये वर्ड रहना चाहिए, हाँ यूटिलाइज, ये वर्ड आया बच्चों तो यूज करेंगे हम लोग रिजर्व। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बच्चों फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व मतलब जो कहीं बाहर देश से आपने बच्चों कोई प्रोजेक्ट में डाला है, और प्रोजेक्ट बच्चों बाहर देश में डाले बच्चों, बाहर देश की जो कानून है बच्चों, गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स चेंज किया रहेगा बच्चों, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो सकता है। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व यूटिलाइज बढ़ाना चाहिए बच्चों, एंड एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व यूटिलाइज, ये तीन ऐसे बच्चों जिसके अंदर ये वर्ड रहेगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व प्रोजेक्ट रिजर्व बच्चों यूटिलाइज, आप इस फंड का यूज कर सकते हैं। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व यूटिलाइज, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व यूटिलाइज, ये तीनों में क्लियरली वो वर्ड रहना चाहिए यूटिलाइज, सर और कोई वर्ड रहेगा नहीं, यही वर्ड रहेगा ओके। ये सब बोलते हम लोग बच्चों फ्री रिजर्व, बच्चों रीवैल्यूएशन रिजर्व CRR, चालू CRR, सॉरी कमेंट था बच्चे अकाउंट में प्रिवेंसर वाले चैप्टर में CRR कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, फिर DRR डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वहाँ पे यूटिलाइज वर्ड नहीं है बच्चों, यूटिलाइज वर्ड नहीं है, अगर यूटिलाइज वर्ड रहेगा तो यूज करेंगे, यूटिलाइज वर्ड नहीं दिया बच्चों नहीं यूज करेंगे बच्चों। इसको वर्ड होता है बच्चों नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट डोंट टेक एज अ फ्री रिजर्व, तो इसको बच्चों लोग फ्री रिजर्व में ट्रीट नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व CRR DRR एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये चार ऐसे रिजर्व बच्चों जो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट होते बच्चों, और इसको हम लोग फ्री रिजर्व में यूटिलाइज नहीं करने वाले। समझता बच्चों ये आज उन्होंने क्या क्या किया बच्चों, बाय बैक ऑफ शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट किया बच्चों उन्होंने, एंड देन बच्चों उन्होंने बाय बैक करने के लिए दो मेथड था बच्चों, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू और दूसरा था फ्री रिजर्व, क्यों बच्चों इसको आप लोगों को रेडी कर देते बच्चों, और इस लोग से बच्चों आप एटलीस्ट यार कुछ नहीं बनाया आपके बाहर क्या चले बच्चों, बट ये नीचे में पूरा थरोली एकदम ओके, क्योंकि सब इसका यूज होने वाला है ओके। Thank you.